हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे संदीदिया कैफे चैनल पे। गाइस, अगर आपका भी एटीएम कार्ड एक्सपायर्ड होने वाला है या फिर एक्सपायर्ड हो गया है तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको इसको कैसे रीन्यू करवाना है, क्या इसके साथ डॉक्यूमेंट रहेंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो आप कैसे अपना एटीएम कार्ड फिर से ओपन कर सकते हैं, फिर से चला सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में वही बताऊँगा आपको। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जिससे आपका कोई भी कॉलम छूट जाए और आपको फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाए, गलत फॉर्म फिल हो जाए, तो आपको स्किप किए बिना ये वीडियो देखनी है। तो गाइस, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आपको अपनी जेके बैंक में जिसमें आपका अकाउंट है वहाँ पर जाना है। आपको वहाँ से एक फ्रेश ओब्लिक डुप्लीकेट डेबिट कार्ड लिखा होगा, वो आपको फॉर्म लेना है। तो वो लेके आपको आगे कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं वही प्रोसेस आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो गाइस ये है वो फॉर्म जो आपको अपने एटीएम कार्ड को रीन्यू करवाने के लिए यूज करना है। यहाँ पे देखिए, फ्रेश डुप्लीकेट डेबिट कार्ड। तो आपको जब न्यू एटीएम कार्ड बनवाना होगा तभी आपको यही यूज करना है, और जब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाए तो तब भी आपको यही कार्ड यूज करना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कस्टमर आईडी नंबर। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे आगे देखिए अकाउंट नंबर, जो भी आपका जेके बैंक का अकाउंट नंबर है तो आपको 16 डिजिट का जहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पे देखिए डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, और ब्रांच जो आपके बैंक की ब्रांच है, जिसमें भी आप गए हो, जिसमें आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया हो उसकी ब्रांच होती है, तो वहां पे आपको अपनी ही बैंक की ब्रांच लिखनी है, अदर ब्रांच नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए टिक द रेलिवेंट बॉक्स, तो आपको इनमें से एक टिक करना है, इंस्टेंट मेगा स्ट्रिप डेबिट कार्ड नहीं, पर्सनलाइज्ड मेगा स्ट्रिप डेबिट कार्ड यहाँ पे भी नहीं करना, आपको इसमें सिंपल टिक कर देना है आपको, और कुछ नहीं करने जाना, तामझाम है नहीं। तो यहाँ पर देखिए नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए, यहाँ पे आपको फिर से अपना अकाउंट नंबर लिखना है 16 डिजिट का, यहाँ पे नाम आ गया, तो यहाँ पे आपको फुल एड्रेस देना है आपका, जो भी एड्रेस आर ओ करके यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दें। आगे पोस्ट ऑफिस आपकी क्या है, तो यहाँ पे अपनी पोस्ट ऑफिस लिख दें। आगे तहसील क्या है, तो यहाँ पे तहसील लिख दें। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दें। तो यहाँ पे अपना पिन कोड लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे दिया गया है, तो वो आप बाद में भी लिख सकते हैं, आपको इतना ही एड्रेस देना है आपको। तो यहाँ पे मदर नेम, अपनी मदर का नेम लिख लीजिए। यहाँ पे है पिन, तो यहाँ पे आपको अपना एरिया का पिन कोड दे देना लीजिए। यहाँ पे सेल नंबर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे भी लिख लेना है और यहाँ पे भी लिख लेना है, अगर दो है तो दोनों लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, 02 05 जो भी है, 198 कुछ भी लिख लीजिए, जहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है। यहाँ पर नीचे दे रखी है टर्म एंड कंडीशन, आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, अदरवाइज आपको छोड़ देना है ये फॉर्म, और आपको नीचे लास्ट में देखिए आपने साइन कर देना है। ऐसे ही आपको अपना ये एटीएम के लिए रीन्यू करवाने के लिए आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में लेके आऊंगा कि आप ऑनलाइन रीन्यू कैसे कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड को, या अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड को। तो गाइस, जब भी आप ये फॉर्म फिल करके बैंक में जाएंगे तो आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड लेके जाना है, इसके साथ इसकी कॉपी लगा के, तो ये आपको वहाँ पर मैनेजर के पास सबमिट करवा देना है। कुछ ही दिनों में आपका एटीएम जो कार्ड है वो आपको रीन्यू मिल जाएगा। तो आपको कितने दिन में एटीएम कार्ड मिल सकता है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएं, मैं आपको उसका सोल्यूशन वहाँ पे बता दूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली कोई न्यू वीडियो में।